तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में बजाज की पल्सर NS160 ABS के बारे में बात करने वाले हैं। आज इसका रिव्यू करने वाला हूं मैं आज इस वीडियो में। तो NS160 में आपको पता है सिंगल चैनल ABS ऐड किया गया है, उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, ना ही तो कोई ग्राफिक्स, ना ही तो कोई न्यू कलर्स और ना ही कोई और इंजन चेंजेस। तो कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, सिर्फ एक ABS ऐड किया गया है, वो भी सिंगल चैनल, जो कि आप पल्सर UG5 वगैरह में देखते आ रहे हैं। तो वही सिंगल चैनल ABS आपको इसमें मिलता है, जो कि आपको 220 में भी मिलता है। तो वही सेम मिलता है आपको सभी 150 और 220cc बाइक्स में, पल्सर की जितनी भी बाइक्स सीरीज है, तो छोड़ के पल्सर RS 200, तो उसको छोड़ के सभी बाइक्स में आपको यही मिलती है। तो ये सिंगल चैनल ABS आपको इसमें भी दिया गया है। तो इसकी जो प्राइस है, एक शोरूम प्राइस हो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही, तो एक शोरूम प्राइस बाइक की 92,582 रुपीज़ है, एंड ऑन रोड प्राइस इसका जो गुड़गांव में है वो है 1,04,000 रुपीज़। बाकी आप चेक कर लेना आपकी लोकेशन पे इस बाइक का क्या प्राइस है, ईजिली गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं आपकी लोकेशन का नेम डाल के, तो ईजिली आपको पता लग जाएगा कि क्या प्राइस है आपकी लोकेशन पे। तो चलिए अभी इसके कुछ इंजन स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी तो आपको पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे बंदों को नहीं पता होता, जो कि पहली बार किसी बाइक के बारे में वीडियो देखते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि बाइक में क्या कुछ है। तो उनके लिए मैं बता दूँ, इंजन इस बाइक में वही 160cc का इंजन मिलता है आपको। सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन है, कोई एयर कूल्ड वगैरह नहीं है बाइक में। आपको पता है ऑयल कूल्ड है, एयर कूल्ड से काफ़ी अच्छा है बाइक में। ये लगा लीजिए आप, एयर कूल्ड भी है और ऑयल कूल्ड भी है। तो बाइक में पावर की बात करूँ तो 15.5 bhp की पावर है, जो कि सेम है पहले की तरह ही। टॉर्क 14.6 न्यूटन मीटर का मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी है 160cc के लिए, काफ़ी अच्छी है। लगभग अपाचे का ओल्ड मॉडल था उससे तो ज़्यादा ही इसमें पावर, बट न्यू 164 भी है उससे थोड़ी कम पावर इसमें। तो फ्यूल इंजेक्शन मिलता है आपको इस बाइक में, 5-स्पीड गेयरबॉक्स मिलते हैं जो कि मैनुअल है। तो ब्रेकिंग की बात करूँ तो सिंगल डिस्क आपको फ्रंट में मिलता है, सिंगल डिस्क आपको रियर में मिलता है। आपके पास ऑप्शन है, आप रियर में ड्रम के साथ भी ले सकते हैं और डिस्क साथ भी ले सकते हैं। तो बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS दिया जाता है। माइलेज की बात करूँ तो 45 किलोमीटर पर लीटर आपको हाईवे पे देखने को मिलती है, जो कि कंपनी बोलती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बंदे हैं जो कि 50 की माइलेज भी निकाल रहे हैं हाईवे पे। बट सिटी की बात करूँ तो 40 की ही देती है, 40-42 की देती है, इतनी देती है माइलेज सिटी में। तो बाकी आप पे डिपेंड, आप कैसे चला दे तो आपको और अच्छी खासी माइलेज मिल सकती है। तो बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ तो टॉप स्पीड आपको इस बाइक में 130 प्लस इजिली मिल जाएगी, 130 इजिली मिल जाएगी, उससे ऊपर शायद आपको 132-133 भी मिल जाए। तो मैंने अभी तक 130 तक ही देखा है, तो बाकी आप बताना आपने कितना चलाया अपनी बाइक को। तो सस्पेंशन की बात करूँ तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिलता है, रियर में आपको वही मोनोशॉक मिलता है। टायर साइज की बात करूँ तो टायर साइज आपको फ्रंट में 90x90 17 के मिलते हैं और रियर में आपको 120x80 17 का टायर मिलता है, जो कि रियर वाला टायर है वो ज़्यादा वाइड नहीं है। और बाकी एलॉयज़ की बात करूँ तो दोनों ही आपको 17 इंचज़ के एलॉय मिलते हैं। वेट की बात करूँ तो 145 kg का वेट है, लगभग सेम है जो पहले आता था, वही वेट है इसमें, लगभग 1-2 kg का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है आपको, टैंक कैपेसिटी 12 लीटर है, बाकी आप 11 लीटर से ज़्यादा ना ही डलवाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जितनी कैपेसिटी होती है उससे 1 लीटर कम ही डलवाना चाहिए, बाकी आपको डेंजरस हो सकता है यदि आप फुल कराते हैं टैंक तो। तो हेडलाइट की बात करूँ तो हेलोजन आपको मिलता है बल्ब, बाकी कोई भी LED DRL वगैरह नहीं मिलता आपको, LED DRL नहीं मिलती आपको, हेलोजन बल्ब भी मिलते हैं, हेलोजन DRL ही मिलते हैं आपको, जो कि आपको पहले से ही NS में आप देखते आ रहे होंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि बजाज ने चेंजेस करने चाहिए थे, LED DRL देनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, इस प्राइस में जो दे रही वो अच्छा है। तो मीटर कंसोल की बात करूँ तो वही है सेम, बस सिर्फ एक ABS की लाइट, जो ABS का इंडिकेटर होता है, वो ऐड कर दिया गया है बाइक में। तो बाकी बाइक में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ एक ABS ही ऐड किया गया है। तो ये था कुछ शॉर्ट रिव्यू पल्सर NS160 के बारे में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपका जल्दी से रिप्लाई दे देगा। तो गाइस ये था कुछ आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।